जो नशा की बात करती है खुद पूरे नशे में रहती है। और आज माँ गंगा के लिए जो संस्था काम कर रही थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम से, उसको बंद कर दिया। सांसद कंगना रनौत ने जो किसानों को जो पूरी तरीके से उनको गलत बोला है, उनको एक बलात्कारी और हत्या वाला आरोप लगाया। जब वहाँ पे धरना हो रहा था तो मर्डर हो रहा था और रेप हो रहा था महिला। आप सबको मंगल हो, शुभ हो। आप सब लोग हम सब के आग्रह पर यहाँ पधारे, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आप सब लोग परिवार के सदस्य की तरह हैं हमारे, क्योंकि काशी से जो रिश्ता है मेरा वो परिवार का रिश्ता है, घर का रिश्ता है, वो एक पत्रकार और नेता का रिश्ता नहीं है। यहाँ के लोगों से मेरा भाई का रिश्ता है। तो एक बार जरूर मैं सोचता हूँ कि काफ़ी भागम भाग के बाद एक बार सबके साथ बैठा जाए, रूबरू हो, अपनी बात कहेंगे, आपकी बात सुनेंगे, सुख दुख की भी बातें होती हैं। तो ये मुझे बहुत ही पारिवारिक भाव एक अच्छा लगता है, इसलिए सबसे मिलना चाहता हूँ। भागम भाग हो गई है, देखते हैं कि आप सब लोगों ने डाल दिया। जो आज जो सबसे बड़ी स्थिति में जिसमें प्रेस बुलाई गई है कि आज जो स्थिति सामने चल रही है समाज की, आप देख सकते हैं कि गंगा पुत्र बनकर आए थे मोदी जी, माँ गंगा ने बुलाया। अब BHU के अंदर जो महामना मालवीय रिसर्च सेंटर फॉर गंगा का कार्यालय या जो पूरी व्यवस्था थी वो गंगा पुत्र के रहते BHU जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसको बंद कर दिया गया। अब जब इतने बड़ी जो संस्था जो काम कर रही थी माँ गंगा के लिए, सफाई के लिए, उसमें कितने लोग काम कर रहे थे, वो अब सब बेकार हो गए, घर बैठ गए। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनी पड़ी है। माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और मैं माँ गंगा माँ के बीच में जाकर बोर्ड पे खड़े होकर उन्होंने कितनी बात बोली थी कि मैं सीधे भगवान के उससे अवतरित हुआ हूँ, अवतार हूँ मैं, उनका कहने का अर्थ यही था। और आज माँ गंगा के लिए जो संस्था काम कर रही थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम से, उसको बंद कर दिया गया। दूसरा, इनके सांसद का बयान आपने जो दिन रात बेचारा बरसात कम हुई तो भी फसल खराब ज़्यादा हुई, हम सब किसान के बेटे हैं, हम सब ज़्यादातर किसान के बेटे हैं, ज़्यादा बरसात हुई तब भी हमारी सब्जी चल गई, हमारे अनाज को कम हुई तो अनाज किसान अलग सब खा जा रहे हैं, जो छोटे जानवर छोड़ रखा है वो सब खा जा रहे हैं और उससे परेशान है। बिजली इतनी महंगी कर दी, अनाप शनाप बिजली के दाम हो गए, स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है लोगों के घरों पर और वो जो स्मार्ट मीटर अडानी जी का है, मोदी जी के द्वारा है ना लगा हुआ है, पूरा बुनकर समाज परेशान है, पूरा किसान परेशान है, सब लोग परेशान हैं। सारा काम गुजरातियों को दे रखा है और किसान को गाली दिया कंगना रनौत ने, कहा कि जब वहाँ पे धरना हो रहा था तो मर्डर हो रहा था और रेप हो रहा था महिलाओं, और वो देख रही थी, उनके पास वहाँ से स्पेशल कैमरा लगा था, वो उस कैमरे से देख रही थी। सोचिए, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि एक सांसद और उस तरीके की बात बोल रहा है, वो भी पार्टी में डिफरेंस भाजपा का सांसद और वो भी महिला और फिल्म अभिनेत्री रही है। और बाकी हमारे नेताओं के बारे में अनाप शनाप बोलती रहती है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो नशा की बात करती है खुद पूरे नशे में रहती है, हमेशा नशे में रहती है। और जो हमारा मूल है इस देश का, जो हमारे रगों में खून जिसका बह रहा है किसान का, हम लोग किसान पुत्र हैं,
उनको गाली दिया, ये हम सबको गाली दिया इन्होंने। मैं मोदी से कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी नड्डा से कहूँगा कि तत्काल कंगना रनौत को पार्टी से निष्कासित करें और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें। माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा और उनके बयान से अलग होने से काम नहीं चलेगा कि उनका व्यक्तिगत बयान था। वो आपकी सांसद हैं, उनको तत्काल भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करिए, ये हमारी मांग है, ये हम सब लोग चाहते हैं। अभी बड़ी बड़ी बात, मैं बनारस में नहीं था, बांग्लादेश के नाम पर आपने यहाँ पर कि हिंदू वहाँ कट रहा है, वहाँ हिंदू मारा जा रहा है, और पूरे बनारस के अंदर आपने पूरी यात्रा निकाली और सब भाजपा आरएसएस के लोग थे उसमें, अराजकता फैला और अराजकता आपने फैलाई उस दिन पूरी यात्रा निकाल के। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री जी से, ये बताइए कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी कहाँ हैं, इसका भी जवाब दे दीजिए। हिंदुस्तान की जनता को, बनारस की जनता को, जहाँ दोहरा चरित्र आप दिखा रहे हो, एक तरफ हिंदुत्व को बचाने की बात करते हो, हिंदुत्व की रक्षा करने की बात करते हो, कल योगी ने कहा, मैं जी कहना चाहूँगा कि शेख हसीना कहाँ है इसको भी तो बताइए हिंदुस्तान की जनता से। बनारस की जनता जानना चाहती है, जहाँ इतना बड़ा आपने पूरे भाजपा आरएसएस के मिलके यात्रा निकाली, ये काशी की जनता, देश की जनता को बताइए कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को कहाँ आपने छिपा रखा है, ये भी हम सब लोग जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दोहरा चरित्र है आप, बड़ी बड़ी बात बोलते हो, राफेल आप लाए हो, चाइना पाकिस्तान को डरवाने के लिए राफेल आ गई, अब सब घबरा गए, तो बांग्लादेश की तरफ ही घुमाइए राफेल का मुंह चेहरा, क्यों रोक रखा है? केवल हिंदुत्व 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 कह के पोलराइजेशन की बात करते हो आप, रक्षा करने की बात नहीं करते हो, दोहरा चरित्र। और ये दोहरा चरित्र पूरे देश में हिंदू भी जान गया, मुसलमान भी जान गया, पिछड़ा भी जान गया, अनुसूचित भी जान गया, ये दोहरा चरित्र करिए। और जो आज देश की महंगाई, बेरोजगारी, जो भ्रष्टाचार सबसे बड़ी चीज आ चुकी है, और जो माँ गंगा के लिए आए थे और माँ गंगा पर काम करने वाली संस्था को ही बंद कर दिया, ये भी बीएचयू में बीसी कौन है? गुजरात से आया हुआ आदमी है, गुजरात का आया हुआ बीसी है, और लगातार बीएचयू के ऊपर हमले हो रहे हैं, बीएचयू की संस्थाओं को फैकल्टीज को बंद करते जा रहे हैं ये लोग। मेडिकल पूरी तरीके से बैठ गया, बरसात हो रही है ना, पूरे बनारस में पानी लग जा रहा है, जो हम बचपन में देखते थे उससे ज़्यादा पानी अब लग रहा है। ये क्वेटो, अभी एक वीडियो आया बीएचयू के पास का, वहाँ का एक व्यक्ति वो नाले में मर पूरे सीवर में घुस रहा है और उसका वीडियो वायरल हुआ। आप सोच सकते हैं कि ये नया जो काशी आपने बनाया, नया क्वेटो बनाया, उसका क्या हाल हो रखा है। काशी की जनता के सामने फलियत लाइए। मैं तो कहूँगा मोदी जी से कि अपने 10 साल जो आपने यहाँ सांसद रहे हैं, इसका श्वेत पत्र काशी की जनता के सामने जारी करिए, काशी की जनता को बताइए कि कहाँ पर और कितने आपने बनारस में काम किया, किसके लिए काम किया, शिविर में रखा, कितने शिविर लगाए और कितने लोगों को आपने शरण दिया, ये भी बनारस की जनता को, देश की जनता को बताइए, ये जानना चाहते हैं। मैं आप सबको अपनी तरफ से धन्यवाद दूंगा, आप अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। कोई पूछना तो पूछ सकते हैं, किसी भाई को कोई सवाल करना हो देरी से तो आप लोग सवाल। यहाँ पर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर अभी साजन के बगल वाला रविंदर जायसवाल जी का, मैं सीधे कहना चाहूँगा, ऊपर की फ्लोर कोर्ट के द्वारा आदेशित है, क्यों नहीं तोड़ा गया अभी तक, क्यों नहीं तोड़ा गया, ये 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 जरूर मैं पूछना चाहता हूँ, ये उठाइए ये बात कि भाई मंत्री का आया कोर्ट का आदेश, उसके बाद भी तोड़ा नहीं गया। आज राजनीतिकरण करके जो हमारे समर्थक हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं, उनका होटल तोड़ा जा रहा है, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, उनके लॉन के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, और बड़ा पैसे का बंदर बांट हो रहा है, बड़े फेल हो रहे हैं। प्रेस वार्ता का कई कारण है, देखिए एक तो जो
मालवी जी के नाम से एक रिसर्च सेंटर चल रहा था गंगा जी के BHU के अंदर, उसको बंद कर दिया गया है। जो माँ गंगा के उस पर रिसर्च करता था और नई नई चीज़ों की जानकारी देता था और तमाम उसमें जो कमियाँ थी वो बताता था, अब उस संस्था को ही बंद कर दो ताकि कोई कमी पता ही नहीं चले। गंगा पुत्र बनकर आए थे और माँ गंगा की संस्थाओं पर बंद कर दिया, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, जो इनके सांसद कंगना रनौत ने जो किसानों को जो पूरी तरीके से उनको गलत बोला है, उनको एक बलात्कारी और हत्या वाला आरोप लगाया, और कंगना रनौत मैं समझता हूँ कि माफ़ी मांगे, और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इनको, नड्डा जी से मैं कहूँगा, मोदी जी से, इनको तत्काल भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा, इनको निकालिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। नहीं, बुरी तरीके से वो नशे में रहती है, वो नशे में हमेशा रहती है, और नशे की वजह से ही आज अब किसान भाइयों को, हमारे भाइयों को, हमारे पूर्वजों को, जो हमारे, मैं उसी किसान परिवार से आता हूँ, और हमारे परिवार को और हमारे लोगों को उन्होंने गाली दिया। निश्चित तौर से माफ़ी मांगे और भारतीय जनता पार्टी उनको निष्कासित करे। आगे उपचुनाव आने वाले, कैसी तैयारी है? बिल्कुल, हम लोग मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 डंके की चोट पर जीतेंगे।